सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल के खिलाफ 62वें दिन आंदोलित कर्मियों ने भूख हड़ताल के दूसरे दिन सेंचुरी पेपर मिल की सबसे बड़ी कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष डीएन सोयाल ने धरना स्थल पर पहुंचकर श्रमिकों को अपना समर्थन दिया। वहीं इस दौरान सीपीपी कर्मचारी यूनियन अध्यक्ष डीएन सोयाल ने सेंचुरी पेपर मिल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही श्रमिकों की मांगों को जायज ठहराया। वहीं उन्होंने कहा पूर्व में सेंचुरी मिल प्रबंधन के साथ समझौता हुआ, सेंचुरी मिल में कार्यरत श्रमिकों की परीक्षा कराई जाए। लालकुआ से मुनंजार की रिपोर्ट। चाहते हैं हमारे समझौते में भी था, जो हमने समझौता किया है पीछे 2021 में, उस समझौते में भी ये था कि जितने आईटीआई अंदर हैं उनको सबको अवसर दिया जाएगा एग्जाम का, और एग्जाम में जो लोग रिटर्न क्वालिफाई करेंगे उनको जो है हम रोजगार देंगे। लेकिन बीच में मैनेजमेंट बदलने के बाद में, जबकि पर्सनल के दोनों अधिकारी उस वार्ता में उस समझौते में सम्मिलित थे। आप लगातार हमारी आवाज़ बन के जो यूनियन के मैनेजमेंट के कानों तक हमारी आवाज़ को पहुंचा रहे हो, उसके लिए आपका तहे दिल से आभार। और आज नव दुर्गा माता का दूसरा दिन है और मैं समझता हूँ कि माँ नव दुर्गा हमसे प्रसन्न होते जा रही है, क्योंकि आज एक उम्मीद नहीं बल्कि आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास हो रहा है कि हमारे जो छोटे भाई हैं इनके साथ जो ये हम संघर्ष कर रहे हैं इसमें सफलता जरूर प्राप्त होगी।